मूवी स्टार्ट होती है पेरिस से, जहाँ पर दो सुपर हीरोज एक विलन से लड़ रहे थे। ये दोनों सुपर हीरोज थे लेडी बग और कैट नॉयर। सारे लोग यहाँ पर इन दोनों को लड़ते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे, इनकी वीडियोस भी बना रहे थे, क्योंकि उनको यकीन था कि ये लोग तो आराम से विलन को हरा देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैट नॉयर लेडी बग से थोड़ी फ्लर्टिंग करता है। इन दोनों ने अपनी आइडेंटिटी एक दूसरे से छुपा कर रखी थी। हम देखते हैं कि लेडी बग सुपर हीरो भी एक आम लड़की की तरह ही है, जिसका नाम मैरिनेट है, और उसे अपने मिराकुलस से सुपर पावर्स मिलती हैं। इसके साथ ही उसे अपनी क्लास में एक लड़का है एड्रियन, जो कि बहुत पसंद है, बट वो अपने दिल की बात कभी भी एड्रियन को कह नहीं सकी। इसके बाद हम मैरिनेट के क्लास को देखते हैं। यहाँ पर एक लड़का है जिसको एग्जीबिशन के लिए न्यूयॉर्क बुलाया गया है, तो पूरी क्लास ही वहाँ पर जाने को रेडी हो जाती है। साथ ही हम एड्रियन को भी देखते हैं, जो कि काफी दुखी लग रहा था। वो सबको बताता है कि उसके डैड तो उसे परमिशन नहीं देंगे न्यूयॉर्क जाने की, जिस पर मैरिनेट सबको कहती है कि हम सब दोस्त हैं, तो पीछे किसी को छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए हमें एड्रियन के फादर से बात करनी चाहिए कि उसे अलाउ कर दे हमारे साथ आने को। ये बात सुनकर तो एड्रियन भी काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम एड्रियन के डैड को देखते हैं, जो कि न्यूज चैनल में देख रहे थे कि न्यूयॉर्क में एक एग्जीबिशन होने वाला है, जहां पर एक बहुत ही रेयर सॉर्ड और एक मिराकुलस नेकलेस डिस्प्ले होगा। ये नेकलेस भी एक मिराकुलस था, यानी कि इसमें भी काफी सुपर पावर्स होंगी। इसके साथ ही इनके घर की बेल बजती है और एड्रियन के डैड देखते हैं कि बाहर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पर एड्रियन के फादर मिलते हैं मैरिनेट से, जो कि उनको कन्विंस करती है कि एड्रियन को भी न्यूयॉर्क भेजा जाए। अब यहाँ पर तो उसके फादर फौरन मान जाते हैं कि एड्रियन भी वहाँ पर जा सकता है, जिस पर बाकी सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर इस सब के पीछे एक हिडन प्लान था। एड्रियन के फादर इसलिए उसे भेज रहे थे ताकि वो भी न्यूयॉर्क जा सके और उस मिराकुलस नेकलेस को चुरा सके। हम देखते हैं कि लेडी बग कैट नॉयर से मिलती है और उसे बताती है कि कुछ दिन शायद वो यहाँ पर ना हो, तो उसे पेरिस की देखभाल करनी होगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एड्रियन ही कैट नॉयर है, बट ना तो मैरिनेट को ये बात पता थी और ना ही एड्रियन को। ये दोनों अलग अलग जिंदगियां जी रहे थे, जहाँ पर एक दूसरे को ना आइडेंटिटी पता थी और ना ही इन्होंने सीक्रेट रिवील किया था कि ये दोनों भी सुपर हीरोज हैं। इसके साथ ही लेडी बग उसे एक डिवाइस देती है, साथ ही उसे बताती है कि जब मैं यहाँ पर ना हूँ और अगर कोई खतरे की बात हो तो इसको बजाकर मुझे फौरन बुला लेना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एड्रियन जब अपने घर में था तो उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम भी अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क जा सकते हो। साथ ही उनका बॉडीगार्ड भी एड्रियन के साथ जाएगा। अब एड्रियन के लिए एक बहुत बड़े मसले की बात हो गई थी, क्योंकि उसने तो लेडी बग से कहा था कि वो पीछे रुककर पेरिस का ख्याल रखेगा, और अगर वो भी न्यूयॉर्क चला गया तो पेरिस की देखभाल कौन करेगा, और यहाँ पर अगर कोई मसला हो गया तो फिर क्या किया जाएगा। एड्रियन का मिराकुलस उसे आइडिया देता है कि तुम न्यूयॉर्क चले जाओ, किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेडी बग को कैसे आइडिया होगा कि तुम यहाँ पर नहीं हो, वो भी यहाँ पर नहीं होगी, और अगर कोई मसला होता भी है तो तुम्हें अपने फोन से पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रियन के डैड अपनी मरी हुई बीवी के पास गया है, जहाँ पर वो उसे कह रहा था कि अब मैं वो नेकलेस ले लूंगा, जिसके बाद मैं इस सिटी में आके लेडी बग और कैट नॉयर को हरा दूंगा और उनके मिराकुलस लेकर मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। दूसरी तरफ अब फ्लाइट थी, जहां पर हम सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं। मैरिनेट उस फ्लाइट में आती है तो उसकी सीट बिल्कुल एड्रियन के साथ थी। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि उसे एड्रियन बहुत ज्यादा पसंद था। वो खुद को बहुत ज्यादा समझाती थी कि ये सिर्फ मेरा एक दोस्त है, बट इस पर उसका कोई काबू नहीं था, जिसके बाद वो अपनी सीट चेंज कर लेती है। हम बाद में देखते हैं कि एड्रियन आता है उसके पास और उसे थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरे फादर को कन्विंस किया, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, वरना तो मुझे परमिशन ही ना मिलती। साथ ही हम देखते हैं कि इनके प्लेन पर कोई अटैक करता है। ये टेक्नो नाम का एक विलन था, जिसके पास ये पावर थी कि वो किसी भी चीज के अंदर टेक्नोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट कर सकता है। अपनी पावर को यूज करते हुए वो एक इंजन को खराब कर देता है, जिसकी वजह से प्लेन बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। सब काफी परेशान होने लगे थे। इतनी ही देर में यहाँ पर एक सुपर हीरो आती है, जिसका नाम अनकैनी था। वो यहाँ पर बताती है कि वो एक रोबोट है और मजेस्टिया नाम की एक सुपर हीरो ने उसे बनाया था। वो सबको बताती है कि बाकी सारे सुपर हीरोज भी आने लगे हैं उनको बचाने के लिए। इतनी ही देर में मजेस्टिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है और प्लेन के बैलेंस को ठीक करती है। टेक्नो इतनी देर में एक इंजन लेके भागने लगा था। इतनी ही देर में यहाँ पर दो और सुपर हीरोज पहुँच जाते हैं, जो कि नाइट आउल और स्पैरो थे। इसके बाद नाइट आउल टेक्नो को पकड़ लेता है और अनकैनी अपनी पावर को यूज करके प्लेन के इंजन को फिर से जोड़ देती है। इसके बाद बाकी सारे सुपर हीरोज
टेक्नो को पकड़कर चले जाते हैं। इसके बाद टेक्नो को तो पुलिस को दे दिया जाता है। हम देखते हैं कि बाकी सारे स्टूडेंट्स अब न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और एग्जीबिशन के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर अनकैनी को इन बच्चों के साथ ही छोड़ दिया जाता है ताकि इनको प्रोटेक्शन दी जा सके। अब ये लोग जब एग्जीबिशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर मैरिनेट की फ्रेंड उसे बताती है कि ये एक प्रोफेसर है और ये भी एक सुपर हीरो है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये किसी भी डोर को एक पोर्टल में चेंज कर सकते हैं। अनकैनी और स्पैरो भी इन्हीं सब लोगों के बीच में थे। यहाँ पर मैरिनेट की फ्रेंड उसे बताती है कि न्यूयॉर्क में सुपर हीरोज को छुप कर नहीं रहना पड़ता, बाकी सारे लोगों की तरह इनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी नहीं पड़ती। हम देखते हैं कि एड्रियन के फादर भी यहाँ पर पहुँच चुके थे और उनके पास भी एक मिराकुलस था जिसको वो बाहर निकालते हैं और हमें पता चलता है कि ये भी कौन से विलन हैं। इनका नाम था हॉक मॉथ और इनकी ये सुपर पावर थी कि अपनी पावर की वजह से ये किसी और को पावरफुल बना सकते हैं। अब एड्रियन के फादर टेक्नो के साथ भी एक डील करते हैं कि अगर वो सॉर्ड और नेकलेस एग्जीबिशन से छुरा कर उनको दे दे तो वो उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा ताकि वो और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी चुरा सके। इसके लिए जब वो रेडी होता है तो वो बहुत सारी पावर देता है टेक्नो को, जिसकी वजह से वो पुलिस से बहुत आसानी से छूटकर भाग जाता है। अब बाकी सारे स्टूडेंट्स पहुंच चुके थे एग्जीबिशन पर, जहां पर एड्रियन अपने फोन में देखता है कि पेरिस पे किसी बड़े से रोबोट ने हमला कर दिया है। यहाँ पर ये न्यूज मैरिनेट को भी मिल जाती है और वो हैरान थी कि अभी तक कैट नॉय क्यों नहीं पहुँचा उस रोबोट को हराने के लिए। इतनी ही देर में टेक्नो भी वहाँ पर आ जाता है और अब तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अनकैनी और स्पैरो अपने रियल रूप में आते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। डोरमैन अपनी पावर यूज करके एक पोर्टल खोलता है जिससे वो बाकी सारे बच्चों को वहाँ से निकालने लगता है। इसके बाद वो अनकैनी और स्पैरो से भी कहता है कि तुम लोग भी बाहर आ जाओ, पर इससे पहले कि वो दोनों यहाँ से भागते टेक्नो अनकैनी को पकड़ लेता है। टेक्नो अपनी पावर को यूज करके उन दोनों की पावर को चुरा रहा था और अब वो दोनों बिल्कुल ही यूजलेस हो चुके थे। जब मैरिनेट और एड्रियन ये देखते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि अब उन्हें अपने रियल सुपर पावर्स को यूज करना पड़ेगा। वो दोनों अपने मिराकुलस को यूज करते हैं और लेडी बग और कैट नॉयर में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद लेडी बग स्पैरो को उठाती है और अपने सामने जब वो देखती है कि कैट नॉयर भी यहाँ पर है तो वो उसे पूछती है कि तुम पेरिस में क्यों नहीं और वहाँ पर रोबोट से लोगों को कौन बचाएगा। कैट नॉयर उसे बताता है कि ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद वो अनकैनी को बचाने में लग जाते हैं। यहाँ पर टेक्नो तो भागने लगा था, जिसके बाद कैट नॉयर और लेडी बग उनको फॉलो करते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से इसको काबू में लाया जाए। अब एक तरफ तो कैट नॉयर पकड़ा जाता है, टेक्नो उसे बहुत जोर से उठा के फेंकता है। यहाँ पर अनकैनी उसे बचाने के लिए रुकती है लेकिन वो नीचे इतनी जोर से गिरती है कि फौरन ही मर जाती है क्योंकि वो एक रोबोट थी। मैजेस्टिया जब ये देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैजेस्टिया उसे उठाकर जोर से फेंकती है। दूसरी तरफ हॉक मॉथ उस नेकलेस और सॉर्ड को चुरा लेता है, जिसके बाद वो टेक्नो को भी बचाकर अपने साथ भाग जाता है। मैजेस्टिया तो अनकैनी को अपने हाथों में उठाकर रोने लगती है क्योंकि आखिर में वो रोबोट तो उसी की थी। यहाँ पर नाइट आउल भी पहुंच जाता है और लेडीबग और कैट नॉयर को देखकर पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेडीबग अपनी सुपर पावर यूज करती है और वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, अनकैनी भी जिंदा हो जाती है। इसके बाद नाइट आउल उनसे कहता है कि अपने मिराकुलस मुझे दे दो, तुम दोनों को ये सब कुछ देने का कोई फायदा नहीं था। पर लेडीबग और कैट नॉयर वहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों छुपकर एक मेन होल में चले जाते हैं। यहाँ पर लेडीबग अपने फोन में देखती है कि पेरिस में वो बड़ा सा रोबोट बहुत ज्यादा तबाही कर चुका है और साथ ही फौरन गायब हो गया है। इसको देखकर तो लेडीबग बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो अब कोई भी चीज ठीक नहीं कर सकेगी। लेडीबग की सुपर पावर ही ये थी कि कोई भी चीज को वो ठीक कर सकती है, जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई हो वो ठीक हो जाती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जिस विलन ने वो सारी डिस्ट्रक्शन की है वो भी वहीं पर हो। पर यहाँ पर तो वो रोबोट गायब हो गया तो अब वो कोई भी चीज पहले जैसी नहीं कर सकेगी। कैट नॉयर को लगता है कि ये सब कुछ उसकी गलती है क्योंकि अगर वो वहीं पर रहता तो ये सारा कुछ ना होता, जिसके बाद वो अपना मिराकुलस वहीं पर रखकर वहाँ से भाग जाता है। मैरियनेट उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है बट वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। अब हॉक मॉथ के पास वो नेकलेस आ चुका था जिसके बाद उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ चुकी थी। अब वो आराम से लेडी बग और कैट नॉयर का मिराकुलस उनसे ले सकता था। इसके बाद वो टेक्नो को भी दोबारा से बहुत सारी पावर दे देता है और साथ ही वो नेकलेस भी उसे पहना देता है ताकि वो उन दोनों के मिराकुलस लाकर दे सके। अब एड्रियन अपने फादर के साथ वापस चला जाता है और हम देखते हैं कि टेक्नो भी अब सिटी में आ चुका है, जहाँ पर बाकी सारे सुपर हीरोज उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
उसके पास वो नेकलेस भी था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो अपने इस नेकलेस को यूज करके बाकी सारे सुपर हीरोज के माइंड को कंट्रोल कर लेता है और इसी वजह से सारे सुपर हीरोज अपनी ही सिटी पर अटैक कर देते हैं और हर चीज को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन पर हॉक मौत आ गया है और वो कैट नॉयर और लेडी बग को कहता है कि अपने मिराकल्स मुझे दे दो वरना ऐसे ही मैं सारी सिटी को बर्बाद कर दूंगा और न्यूयॉर्क देखते ही देखते तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनकैनी और स्पैरो को जो कि सब कुछ देख रहे थे। वो कहते हैं कि हमें ही जाकर सबको ठीक करना होगा। ये दोनों भी न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी सारे सुपर हीरोज इन्हीं पे अटैक कर देते हैं। अनकैनी जाती है मैरिनेट के पास और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही लेडी बग हो। अनकैनी उसे बताती है कि बाकी सारे इंसानों की आंखों को तो तुम धोखा दे सकती हो पर एक रोबोट को नहीं। जिसके बाद वो उसे कहती है कि न्यूयॉर्क सिटी को तुम्हारी जरूरत है। मैरिनेट अनकैनी को बताती है कि मैं कैट नॉयर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद अनकैनी उसका मिराकल्स लेकर एड्रियन के पास जाती है और उसे बताती है कि लेडी बग को तुम्हारी जरूरत है। अब ये सुनते साथ ही एड्रियन अपना मिराकल्स पहनकर कैट नॉयर बन जाता है और फौरन लेडी बग के पास पहुंच जाता है। लेडी बग तो उसे देखते साथ ही हग कर लेती है। साथ ही स्क्रीन के ऊपर टेक्नो सबको मैसेज देता है कि मैं थोड़ी ही देर में एक रॉकेट लॉन्च करने वाला हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे मिराकल्स ना दिया तो ये रॉकेट लॉन्च हो जाएगा और इसके लॉन्च होते साथ ही वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो जाएगी। इसके बाद लेडी बग सबको समझाती है कि हमें वो नेकलेस अब टेक्नो के गले से उतारना होगा। इसके बाद ये दोनों मिलकर जाते हैं टेक्नो के पास, जिसके बाद लेडी बग छुपके से उसके गले से वो लॉकेट उतार लेती है। वो फौरन ये नेकलेस स्पैरो को देती है जो कि स्पैरो पहन लेती है और उसके पास एक नई पावर आ जाती है। जैसे ही टेक्नो के पास से ये नेकलेस जाता है बाकी सारे सुपर हीरोज भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। टेक्नो फौरन ही वो रॉकेट लॉन्च कर देता है बट बाकी सारे सुपर हीरोज अब ठीक हो चुके थे। इसके बाद मैजेस्टिया उस रॉकेट को पकड़ के बिल्कुल ही आउटर स्पेस में फेंक देती है और ऐसे ही सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। बाकी सारे सुपर हीरोज भी टेक्नो को पकड़ लेते हैं और लेडी बग अपनी पावर यूज करके सारी चीजों को ठीक कर देती है। सारे सुपर हीरोज लेडी बग और कैट नॉयर को थैंक यू बोलते हैं। हम एंड में देखते हैं कि हॉक मौत इस चीज के ऊपर एंड नहीं करने वाला था और वो उनके मिराकुलस चोरी करने की ट्राई करता रहेगा। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।